नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इसरो बनाएगा लैंडर और जापान देगा रोवर मॉड्यूल, पहले के मिशन पर भी बोले इसरो वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसरो से प्रभावित हैं, वे भी इसमें रुचि दिखा रही हैं। अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वह इसरो बनाएगा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। यह बात NIT हमीरपुर में इसरो के वैज्ञानिक समनीत ठाकुर ने NIT हमीरपुर के वार्षिक टेक फेस्ट निम्बस कार्यक्रम में कही। इसमें इसरो के वैज्ञानिक भी आए हैं। फेस्ट में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब आपस में कार्य करती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समनीत ठाकुर जिला बिलासपुर के बरठी के रहने वाले हैं और बरठी से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही देश के लिए कुछ अलग करने की इच्छा थी। स्पेस विज्ञान का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन में बहुत सहायता करता है। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, शिमला में छाए बादल, जाने कब तक बना रहेगा ऐसा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश में फिर बादल बरसने के आसार हैं। शनिवार को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 12 क्षेत्रों में शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार रहा। राजधानी शिमला में दोपहर के समय घने बादल छाए जाने से बारिश के आसार बने, लेकिन हवाएं चलने से कुछ देर बाद मौसम सुहाना हो गया। इस दौरान रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, इससे घाटी के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। विहिप नेता की दिन दहाड़े हत्या, दो हमलावरों ने तेज धार हथियारों से किया हमला। जिला ऊना के नंगल के रेलवे रोड में विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दो अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नंगल के रेलवे रोड पर शनिवार शाम विकास प्रभाकर अपनी दुकान पर बैठे थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी विकास की दुकान से सामान लेने गया तो उसने विकास को जख्मी हालत में देखा। इसके बाद उक्त कर्मचारी ने अपने मालिक को जाकर बताया तो दुकानदार मनीष ने अन्य दुकानदारों के साथ विकास को गंभीर हालात में सिविल अस्पताल नंगल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है और पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस को CCTV कैमरों में दो संदिग्ध लोग नजर आए जो एक्टिवा पर सवार थे। इस वारदात की जानकारी मिलते ही DSP अजय सिंह, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रजनीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की तरफ से क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही कॉटन कैंडी, सेहत पर भारी पड़ सकती है खाद्य विभाग की लापरवाही। प्रदेश में प्रतिबंध होने के बावजूद कॉटन कैंडी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की जा रही है। हैरत की बात यह है कि प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु के टोल बैरियर पर विक्रेता सरेआम कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। यह विक्रेता दूसरे राज्यों के हैं। शनिवार को भी परवाणु टोल बैरियर पर पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येल्लो, सी ग्रीन और वाइट कॉटन कैंडी बेचते विक्रेता पाए गए। विक्रेता ने छुट्टी का फायदा उठाकर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की और दोपहर बाद वापस चला गया। इससे खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। विभाग की नाक तले इस प्रकार की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। गौर रहे कि प्रदेश में बिकने वाली कॉटन कैंडी के कई सैंपल बीते माह फेल हो गए थे। प्रयोगशाला में जांच के दौरान कॉटन कैंडी में कैंसर वाला केमिकल पाया गया था। जिला सोलन में भी 7 सैंपल फेल हुए थे। इनमें रसायन रोडामाइन बी का खुलासा हुआ था। इसके बाद प्रदेश में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब विक्रेता नियमों की सरेआम अवहेलना कर रहे हैं और सड़क के किनारे बैठकर कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। अधिकतर विक्रेता हिमाचल के प्रवेश द्वार के आसपास दिखाई दे रहे हैं। 6 दिन में देवियों के दर 7.25 लाख भक्त नतमस्तक।
प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में नवरात्र मेले में 6 दिनों में 7,13,735 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाया। प्रदेश के शक्तिपीठों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस मुख्यालय शिमला की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश की विभिन्न शक्तिपीठों में चैत्र नवरात्रों के 6 दिन तक 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल सुबह 6 बजे तक विभिन्न शक्तिपीठों में प्रदेश व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आए 7,13,735 श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर अपना शीश नवाया। शक्तिपीठों में चिंतपूर्णी मंदिर में 1,14,000, नैना देवी मंदिर में 1,19,055, कांगड़ा के ज्वालाजी मंदिर में 75,700, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 27,680, चामुंडा देवी मंदिर में 46,300 और माता बाला सुंदरी मंदिर में 3,31,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि नवरात्र मेले में प्रदेश के शक्तिपीठों में 67,649 छोटे बड़े वाहनों में श्रद्धालु आए। डीजीपी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबंध किए गए। आज का सुविचार: किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो सदा आपके साथ बहस करने को तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सह नहीं सकता। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।